नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज। खबर नालंदा से है। विधानसभा चुनाव नामांकन के अंतिम दिन पूरा समरणालय में काफी गहमा गहमी देखा गया। अंतिम दिन को देखते हुए प्रत्याशियों के नामांकन की भी लंबी लिस्ट देखी गई। नालंदा विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार और छोटे मुखिया कांग्रेस से गुंजन पटेल हरनौत, विधानसभा से लोजपा पार्टी से ममता देवी, पुरुलर्स पार्टी से चंद्र उदय, कांग्रेस से कुंदन गुप्ता बिहार शरीफ, विधानसभा से जाप उम्मीदवार एमडी अखदर समेत दर्जनों लोगों ने अपना नामांकन करवाया। नामांकन के बाद निर्दलीय उम्मीदवार छोटे मुखिया ने कहा कि 25 साल का जो भ्रष्टाचार का राज नालंदा विधानसभा में व्याप्त है, सबसे पहले उसे खत्म करना है। ममता देवी जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जी, मैं लोजपा पार्टी से आई हूँ। मेरा नाम ममता देवी है। मैं भूता का पंचायत का मुखिया भी हूँ और मैं इस मुद्दे से आई हूँ कि सभी महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा रहने के लिए, और मेरी बहू बेटी जो घर से निकलती है वो हर समय हम लोग को डर लगा हुआ रहता है, वो घर सुरक्षित आ जाए, इस पे हम लोग काम करेंगे। और सभी किसान भाइयों जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, सभी को रोजगार दिलाने का मैं काम करूँगी। और क्या मतलब जो भी विकास होगा सभी को के लिए हम सोचेंगे, भाई बहनों के लिए। जनता के बीच में जाने के लिए मुद्दा है। सबसे पहले तो मुद्दा है जो 25 वर्षों का लॉकडाउन लगा हुआ है नालंदा विधानसभा क्षेत्र में, उस आतंक से मुक्ति है के लिए जाएंगे। वहां पर पैमार नदी, पंचाने नदी में जो 25 वर्षों के अंदर पानी आना बंद हो गया, उसके कारण जाएंगे। वहां पर जो एक भी सरकारी कॉलेज, डिग्री कॉलेज नहीं है, उस मुद्दा को ले जाएंगे। और वहाँ के जो युवा बेरोजगार है, हर हाथ जो कमज़ोर हो चुका है, उस मुद्दा के ले जाएंगे। और जो भ्रष्टाचार हर अंचल प्रखंड खंड से लेके तमाम कार्यालय में उस विरोध, उसके विरुद्ध लेके जाएंगे।